We are students of first semester of BG class. आज के इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल दैट इज सिक्यूज प्रिंसिपल. बिफोर वी विल डिस्कस टुडेज टॉपिक डियर स्टूडेंट्स सब्सक्राइब माय चैनल ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए और वीडियो शेयर कर लेना ताकि दूसरे बच्चे भी हैं आपकी क्लास के जो इन वीडियो से भी जो इन वीडियोस को देख के इस्तेफादा हासिल कर सके. नाउ वी डिस्कस अवर टॉपिक. जो आज का टॉपिक है वो हम आज डिस्कस करने वाले हैं दैट इज सिक्यूज प्रिंसिपल. इसका स्टेटमेंट हमारे पास है इफ एफ एक्स इज लेस देन जी एक्स. एफ एक्स इज फंक्शन, जी एक्स इज फंक्शन, एच एक्स इज फंक्शन. So he said f x is less than g x is less than h x for some deleted neighborhood of c. ये कंडीशन इन तीन फंक्शन पे सेटिस्फाई होता है. कहां पे? फॉर सम डिलीटेड नेबरहुड ऑफ सी. डिलीटेड नेबरहुड ऑफ सी पे ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है. एंड लिमिट एक्सटेंड्स टू सी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एल. इस फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट होता है and that limit is L at C. इसी तरह एच एक्स का भी लिमिट as x goes to C is L, as x tends to C is L. दोनों फंक्शन का लिमिट C है एफ एक्स एंड एच एक्स. इस एफ एक्स एंड इस एच एक्स का लिमिट L है as x approaches to C. तब जाके हमारे पास लिमिट ऑफ जी एक्स इस फंक्शन का भी लिमिट हमारे पास एल ही होगा एज एक्स अप्रोच टू सी. नाउ वी विल प्रूव दिस रिजल्ट. प्रूफ वी हैव हियर लिमिट ऑफ एफ एक्स एज एक्स अप्रोच टू सी इज इक्वल टू एल. वी हैव लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एल. ये हमारे पास है. जब ये लिमिट इस फंक्शन का है देन बाय एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन ऑफ लिमिट ऑफ ए फंक्शन देन फॉर एनी एप्सिलॉन पॉजिटिव फॉर एनी सॉरी फॉर गिवन एप्सिलॉन पॉजिटिव गिवन एप्सिलॉन पॉजिटिव देयर एग्जिस्ट डेल्टा पॉजिटिव साइज दैट क्या होगा एफ ऑफ एक्स माइनस एल is less than epsilon for 0 is less than x minus c is less than delta. It is definition of limit of a point, limit of a function at a point. ये हमारे पास epsilon delta definition of limit of a function at a point. ये हमारे पास आ गया. We take here delta 1 because we have here two functions. Dear students, now also limit of hx as x approaches to c is also L. Also limit x tends to c h of x is equal to L. Then for the same epsilon positive, same epsilon positive, there exists डेल्टा. यहां पे डेल्टा वन, यहां पे देयर एग्जिस्ट डेल्टा टू पॉजिटिव साइड. क्या होगा एच ऑफ एक्स माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर जीरो इज लेस देन एक्स माइनस सी इज लेस देन डेल्टा टू. ये हमारे पास होगा. ये कंडीशन भी होगी जिस सिंपली एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन ऑफ लिमिट ऑफ ए फंक्शन. इसी तरह यहां पे भी कंडीशन हमारे पास होगा. This satisfies in this neighborhood. This satisfies in this deleted neighborhood of C. यहां पे भी ये condition satisfy होती है deleted neighborhood of C. This is deleted neighborhood of C. This is deleted neighborhood. ये हमारे ये condition satisfies here. ये condition हमारे ये satisfies in this same neighborhood. इस neighborhood में हो रहा है. Now taking
delta is equal to minimum of delta 1, delta 2. हम डेल्टा का वैल्यू यहां पे चूज कर रहे हैं मिनिमम ऑफ डेल्टा 1 डेल्टा 2, तब जाके ये कंडीशन जो सेटिस्फाई हो रही है इस नेबरहुड में, डिलीट नेबरहुड ऑफ सी में सेटिस्फाई हो रही है, और ये कंडीशन जो सेटिस्फाई होती है किस नेबरहुड में सेटिस्फाई होती है, इस वाले डिलीट नेबरहुड में सेटिस्फाई होती है. डिपेंड्स दिस डिपेंड्स अपॉन द डेल्टा 1 एंड दिस डिपेंड्स अपॉन द डेल्टा 2. Now we take here delta is minimum of delta 1, delta 2. जब delta हम यहाँ पे minimum ले रहे हैं as delta 1 and delta 2 से, तब जाके इस neighborhood में 0 is less than x minus c is less than delta. ये deleted neighborhood आपसे, इसमें ये condition भी satisfy होगी और ये condition भी satisfy होती है, होगी. That is f of x, this implies us f of x minus l is less than epsilon. एंड ये भी होगा एच ऑफ एक्स माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन. फॉर ये दोनों कंडीशन सेट्स पे होंगी, फॉर जीरो इज लेस देन एक्स माइनस इज लेस देन डेल्टा. अब ये कंडीशन भी सेटिस्फाई होगी इस नेबरहुड में, ये कंडीशन भी सेटिस्फाई होगी इस नेबरहुड में. नाउ ऑल्सो we have taking the property of modulus function. यहां से हमें मिले हुए, it becomes here l minus epsilon is less than f of x is less than l plus epsilon. And यहां से हमें मिलेगा h of x, sorry for this, यहां से मिलेगा हमें l minus epsilon is less than h of x is less than l plus epsilon. ये होगा for 0 is less than x minus a is less than delta. यहां पे हमने property of modulus use किया. If we have modulus of x is less than k, then we write minus k is less than x less than k. It is a fair analogy. A condition modulus of a real number or modulus function में ये हमारे पास एक well-known property. यहाँ पे l minus epsilon less than f x less than l plus epsilon and l minus epsilon less than h x is less than l plus epsilon. ये condition satisfy होती है इस deleted neighborhood of C में. अब जाके हमारे पास taking this l minus epsilon is less than f of x. Now, ये हमारे पास l minus epsilon is less than f x. But f x is less than g x. It is less than g x. Sorry for this. G x. But g x is less than h x. It is less than hx. L minus epsilon is less than fx. Fx is less than gx. Less than gx is less than hx. But hx is less than l plus epsilon. Is less than l plus epsilon. ये कहाँ पे हो रहा है? For 0 is less than x minus c. Sorry for x minus c here. X minus c is less than delta. This implies us L minus epsilon, ये छोड़ दीजिए, it is less than GX, it is less than L plus epsilon for 0 is less than X minus C is less than delta. Now see this relation, what is this? हमारे पास L minus epsilon is less than GX, less than L plus epsilon in this deleted neighborhood of C. Now use your modulus property. We have here gx minus l is less than epsilon for 0 is less than x minus c is less than delta. Ye hamare paas aa gaya. What is this? It is epsilon delta, definition of limit of a function at a point.
This implies us limit x tends to c g of x is equal to 12. इस तरह ये सीक्वेंस प्रिंसिपल का प्रूफ कंप्लीट हो गया. थैंक यू, हैव अ नाइस डे.